أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان جس کے دوسرے اشرے کی جانب ہم گامزن ہیں رحمت مغفرت ناظرین کرام پروردگار نے اس ماہ کو اتنی رحمتیں اتنی فضیلتوں سے بخشا ہے کہ اس مہینے کی جو سعادتیں ہیں وہ مسلمان سمیٹ نہیں پاتے ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں
रोज़ा रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। आज उलमा इकराम हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि रोज़े में और फाका कशी में क्या फ़र्क है। इसी गुफ्तगु को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान हमेशा की तरह आप हमें देख रहे हैं और बहुत मसरूफियात के बावजूद धरती टीवी की हमारी ट्रांसमिशन बाखबर रमज़ान का हिस्सा बने हुए हैं। मेरी मुराद है फरमाया मिल्लत जाफरिया अल्लामा अथर हुसैन मशदी साहब। अस्सलाम वालेकुम किबला। किबला कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं। और इनके साथ ही शायर अहले बैत, खासा उर्दू अदब से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी शफकत बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा ही सालों से मेरे साथ मेरी नशिस्त में बरकरार रहते हैं और मेरे एक टेलीफोन कॉल पे लब्बैक करते हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर एंद्र रज़ा से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। और इनके साथ ही नौजवान सहाफ़ी हैं और मुझे तो आज पता चला कि इतनी छोटी शख्सियत होने के बावजूद इतनी बड़ी शख्सियत कैसे होती है। इनकी मोहब्बतें, इनका वक़ार, इनका प्यार तमाम ही लोगों के सामने है। मेरी मुराद है जनाब असलम खान भाई से। असलम भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अपने आप को छोटा कहते हैं आप बहुत, लेकिन आप बहुत कदावर हैं। नहीं, बस ये आप लोगों की मोहब्बत है और हम सिर्फ कोशिश करते हैं और इसको आप लोग बढ़ावा देते हैं। असलम भाई पता है क्या, टीम मुट्ठी इससे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल होती है। लोग तोड़ना चाहते हैं लेकिन बनाने वाली ज़ात परवरदिगार की है। जिसका रिस्क जो है उसे मिलना ही है, उससे कोई छीन नहीं सकता। ना देखे हमारे आज के बाखबर रमज़ान की मोहब्बतें, प्यार, खुलूस, जब मोहब्बत की बात आती है तो अयूब उस्मान का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। बाखबर रमज़ान के आप डायरेक्टर भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का करम। मैंने सही कहा ना कि कोई किसी को छीन नहीं सकता, किसी का रिस्क मनजानी भी अल्लाह। रिस्क, मौत, जिंदगी, रिस्क, हर मामला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बेशक तो हमने अपनी नियतें खराब कर ली हैं कि जी मैं नहीं करना है सारा कुछ, तो ऐसा नहीं है। करने वाली जात परवरदिगार की है। नाज़िक राम हमारे साथ हमेशा की तरह बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रहते हैं और आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर आपकी नामजद करदा नुमाइंदे टीम हमारे दरमियान एक दफ़ा फिर मौजूद है। मेरी मुराद है जनाब तैयब भाई से, जो कि आज हमारे दरमियान एक दफ़ा फिर तशरीफ़ फरमा है। तैयब कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। कम उम्री में परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। नाते कराम इनके इनके साथ ही बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हेड ऑफिस की टीम ने हमें ज्वाइन किया है। आज मिसिस के साथ तशरीफ लाए हैं जनाब तालिब अली बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से, इनका भी ताल्लुक है। तालिब भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा आता ही नहीं। इतना मुतमईन, इतनी मासूम शख्सियत लगती हैं आप मुझे। वो तो बात करेंगे तो पता चलेगा। ये कितने बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने आपको चुना है, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है। इनके साथ ही नाज़िक राम इनकी मिसिस हैं और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और सीनियरिटी में आती हैं। प्रोजेक्ट को कैसे सेल करती हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रिप्रेजेंट कैसे करती हैं। मेरी मुराद है शाहजहां तालिब, बिन एहसान बिल्डर्स से आपका ताल्लुक है। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का करम है। मैं आगाज़ करूँगा आपसे ही, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट है, आपसे ही आगाज़ करूँगा आज की इस नशिस्त का, क्योंकि हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से किया जाता है। और लाइव कॉल आप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी हवाले से कॉल कर सकते हैं, चाहे वो कुरान की रोशनी के हवाले से हो या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, हमें कॉल कीजिए। जो बन सकेगा बाखबर की टीम अयूब उस्मान यहाँ मौजूद हैं और असलम भाई यहाँ मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई करेंगे। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आए दिन नए नए ऐलान होते रहते हैं, आज भी उनकी टीम आई है, यकीनन आज भी कुछ अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है मैडम, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि इस फील्ड में आने से पहले आप क्या करती थी, या इस फील्ड में आके आपने तालिब को पसंद किया और शादी हुई, मुझे ये बताइएगा। सबसे पहले मुश्किल सवाल है। मैं 18 साल से इस फील्ड में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरे लाइफ पार्टनर हमेशा मेरे साथ रहे हैं और आगे बढ़ाने में। 18 साल से ही? नहीं नहीं, शादी से पहले से हूँ। अच्छा, 18 साल की उम्र में आपकी शादी तो नहीं हुई थी ना?
नहीं नहीं इस फील्ड का बताया मैंने आपको। अच्छा, इस फील्ड से मैं हूँ। इस फील्ड में आपको 18 साल हो गए, मार्केटिंग की फील्ड में। जी जी। अच्छा, फिर बिन एहसान को ज्वाइन किया मैंने। बिन एहसान के बारे में ये कहूँगी कि बिन एहसान मैंने काफ़ी बिल्डर्स के साथ काम किया, लेकिन जो बिन एहसान के साथ काम करके मुझे सुकून मिला है, हम हस्बैंड वाइफ दोनों को, क्योंकि हम लोग रात को सुकून से सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है, बिल्डर बगैर कटौती के पैसे वापस नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही। और ये माशाल्लाह ऐसा बिल्डर है, फहद एहसान साहब, फैसल एहसान साहब, ये दोनों ऐसे भाई हैं दोनों जो कि बगैर कटौती के पैसे वापस करते हैं। अच्छा, अगर मैं प्लॉट खरीदता हूँ जी जी, और एक महीने के बाद या दो महीने के बाद जी जी मेरा इरादा चेंज हो जाता है, बिल्कुल, तो अमूमन बिल्डर क्या हर कोई exactly, अगर आप exactly. कोई चीज खरीदते हैं यानी कि कपड़े खरीद लें जी, जी, तो वो भी कहता है कि मैडम परसेंटेज तो कटेगी। बिल्कुल कटेगी। तो आप लोगों ने कटौती रखी ही नहीं? बिल्कुल क्यों? भी नहीं है। जितना यानी कि जितने की रसीद आपकी कटी भी होगी, हम उतने के देनेदार हैं आपको, ठीक है। और हमारा जितना भी अलॉटी आता है माशाल्लाह से, इसीलिए ही आता है, खुद आ रहा है। और माशाल्लाह अब तो बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी ही वजह से कि माशाल्लाह से ये जो बिल्डर है ये अपने अलॉटी को परेशान नहीं करता किसी और लिहाज से। इतने सालों से बाएतमाद इदारा है और बुकिंग से पहले ही उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। आपने सारी चीज़ें देखी तो फिर आप तमाम लोगों को खैराबाद करके यहाँ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट को कैसे मुतमईन करती हैं आप बिन एहसान के हवाले से? नाज़िम देख रहे हैं आपको, कैमरा आपके सामने है। देखिए, मुझे मुतमईन करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है बिल्डर आपको मुतमईन रखे, ठीक है। हमारा जो बिल्डर है उसके प्लस पॉइंट है, आपको कहीं माइनस पॉइंट नज़र नहीं आएंगे जैसे नॉर्मली बिल्डर्स के होते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट यही है कि बगैर कटौती के फाइल वापस करना। जब आप कोई फाइल प्लॉट खरीदते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप लोग भाई इतने कट के ही मिलेंगे, 10%, 25%, 12%, लेकिन हम लोग नहीं ऐसा करते। हम लोग पूरे पैसे जितने इन्होंने दिए उतने के देनेदार हैं, ये कन्फर्म है, मार्केट में ये बात ऑन है, इन है। दूसरा ये कि हम लोगों ने अभी तक ये अलॉटी से अपने डेवलपिंग के स्टार्ट की सब किया, हमने पैसे नहीं लिए। हम लोग खुद ही सब स्टार्ट करके, खुद ही काम करके निपटा के आगे चल रहे हैं। अब जाके शायद हम लोग कॉल्स वगैरह और लिस्ट वगैरह भेजेंगे कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह है वो आप दें। बिन एहसान यानी कि खड़ा है अपने अलॉटीज़ के साथ। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो परवरदिगार तो आपके लिए अच्छा करेगा ना। और exactly. इतनी अच्छी टीम उनको मिली हुई है कि बिलोस टीम है और मुखलिस। देखें तालिब भाई, मिसिस की बात तो आपकी सुनी मैंने, लेकिन यहाँ पर आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी आपको इदारे की तरफ से यहाँ मिली हुई है। कोई ऐसी बात आप नहीं कर सकते जो कि इदारे, जिससे इदारा मुतासिर हो। उनका एतमाद आप पर है और अवाम का एतमाद बिन एहसान पर है, और बिन एहसान ने आप पर एतमाद करके यहाँ भेजा। तालिब, जैसे कि आपकी मिसिस ने बताया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं प्लॉट लेता हूँ और दो दिन बाद मेरा इरादा चेंज हो जाता है, तो आप उसका टाइम लेते हैं कि अभी पेमेंट नहीं आई हमारे पास, या पेमेंट आ जाएगी तो आप एक काम कीजिएगा कि 10 दिन बाद आ जाएं, या एक हफ्ते बाद आ जाएं, या दो महीने बाद आ जाएं, हम आपको यही पैसे वापस कर देंगे? ये नाज़िम का भी सवाल मेरे पास है जी। बिल्कुल, देखें असल में कहते ना, जब आप उसके बंदों का ख्याल रखते हैं तो वो आपका ख्याल रखता है। हम अपने अलॉटीज़ को हमेशा दो जगह सेव करते हैं। एक आपने कहा रिटर्न पे, देखें आपने एक इन्वेस्टमेंट की, एक प्लॉट लिया, अब कुछ अरसे बाद आपको कुछ रकम की दोबारा ज़रूरत पड़ी, आपने कहा कि मैं रिटर्न करने आया हूँ। हम कोई डिडक्शन नहीं करते, 100% रिटर्न वापस कर देते हैं। सही, उसमें हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता जो सब प्रोसेस जी, प्रोसेस जी 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 टाइम होता है, बाकी नहीं करते। दूसरी बात यह है कि देखें प्रॉपर NOCs के साथ इस वक्त M9 मोटरवे पे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर के तीन प्रोजेक्ट्स हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1, बिन एहसान ग्रीन वैली। हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही ज़मीन पर उतरते हैं और उसको सेल करते हैं। दूसरा ये है कि हमने जितनी अभी तक डेवलपमेंट की है, आप इस वक्त M9 मोटरवे पे दो तीन और बिल्डर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्वालिटी में आप हमें बहरिया और DHA के बराबर पाएंगे। हमारी क्वालिटी इस लेवल पर है, हमारी भराई, लेबरिंग, गार, हमारा जो गेट इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में है वो 1000 टन का गेट हैगा, 80 फुट चौड़ा, 150 फुट हाइट है, जो बन चुका है। और अभी तक हमारी वो अलॉटीज जिन्होंने 2,40,000 में प्लॉट लिया था, आज वो बहुत खुश हैं, 20.5 लाख रुपए उनके प्लॉट की कीमत है। अच्छा, 1.5-2 साल बाद भी आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, आज वो रीसेल पे भी जा रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड प्रॉफिट एंड बेनिफिट। क्यों? क्योंकि आप अलॉटी को सेव करेंगे, आप उस ज़मीन पर जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, आप उस ज़मीन पर पैसा लगाएंगे। तो हम देखें, हमने प्लॉट सस्ता दिया, हमने डेवलपमेंट महंगी की, यही वजह है कि इस वक्त
हम दो जिसे कहा जाए किबला साहब बैठे, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दो हाथी हैं, एक भैरिया टाउन है, एक साइमा का मिड टाउन है, उसके बीच में बिन एहसान का एक छोटा सा शेर आपको ज़रूर नज़र आएगा जो ज़मीन से कद निकाल के इस वक्त लोगों को आवाज़ दे रहा है अच्छी और महफूज सरमायाकारी के लिए। क्या बात है, कितनी खूबसूरती से आपने ये बात बताई। नाज़िक राम, हम चाहते हैं कि आज आपसे बात करें, आप हमें लाइव कॉल करें। अलामा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बस दोनों आलम में उजाला है, हकीकत में जो है बादे खुदा ताजीम के काबिल, वो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद कमली वाला है। मेरे मौला तू बड़ा और तेरा फरमान बड़ा और सारे नबियों की किताबों में है कुरान बड़ा, सारे नबियों की किताबों में है बेशक हमदे वारी ताला पेश कर रहा हूँ, अपने वालिदे मोहर्रम का कलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सब ने यही कहा है। क्या कहा है, सब ने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है, और सब ने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा मेरा मौला बहुत बड़ा है, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा, और कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा, कुरान में लिखा है अल्लाह बहुत बड़ा है। पहला वन पेश करा हूँ, तब जो खाचाऊंगा क्या है, इतना रहीम है वो, इतना करीम है वो, इतना रहीम है वो, इतना करीम है वो, अहबत नसीब बन दे तुझको खबर नहीं है, अहबत नसीब बन दे तुझको खबर नहीं है, उसके ही करम पे गोया तेरी नजर नहीं है, उसके करम पे गोया तेरी नजर नहीं है, इंसान होश में नादान होश में आ, इंसान होश में आ, कर ले खता से तौबा वो तुझको बख्श देगा, कर ले गुनाह से तौबा वो तुझको बख्श देगा। ऐ बंदे मायूस क्यों खड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है
बहुत बड़ा और मायूस क्यों खड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा मायूस क्यों खड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा मायूस क्यों खड़ा है अबरार भाई अल्लाह बहुत बड़ा है लेकिन दूसरा बैंड पेश करो क्या है बदला हुआ है ऐसा तकदीर का कहीं ना बदला हुआ है ऐसा तकदीर का कहीं ना बरसों से जल रहा है इस आरज़ू में सीना बरसों से जल रहा है इस आरज़ू में सीना कब आएगा बुलावा कब जाऊंगा मदीना कब आएगा बुलावा कब जाऊंगा मदीना जब हिजर में नबी के दुश्मन होगा जीना जब हिजर में नबी के दुश्मन होगा जीना तूफान में छोड़ दूंगा ये कह के मैं सफीना इरशाद मुस्तफा है अल्लाह बहुत बड़ा है और इरशाद मुस्तफा है अल्लाह बहुत बड़ा है इरशाद मुस्तफा है अल्लाह बहुत बड़ा है आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ क्या है बांधे ही कफन जो सर से शबीर निकले घर से बांधे कफन जो सर से शबीर निकले घर से बीमार बच्चों के दामन पकड़ के बोली बीमार बच्चों के दामन पकड़ के बोली मैं सदके जाऊं बाबा छोड़ो न मुझको तनहा मैं सदके जाऊं बाबा छोड़ो न मुझको तनहा ये सुन के इब्न हैदर बोले चाहता है कौन लेकर बीमार को सफर में चाहता है कौन लेकर बीमार को सफर में ऐ मेरी प्यारी बच्ची राहत मिलेगी घर में ऐ मेरी प्यारी बच्ची राहत मिलेगी घर में चारों तरफ है सुबरा छाया हुआ अंधेरा चारों तरफ है सुबरा छाया लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है और मैं जानता हूँ बेटी कोई नहीं है तेरा जानता हूँ बेटी कोई नहीं है तेरा मैं जानता हूँ बेटी कोई नहीं है तेरा लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत और सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है कुरान में लिखा है अल्लाह मौला मेरा मौला क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बहुत बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे तालिब आजाद आखिरी शेर में इन्होंने जिस हस्ती का जिक्र किया उस हस्ती की मैं क्या शान बयान करूं जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो मदीने में थी जब 28 रजब को इमाम हुसैन बादशाह नाना का रोज़ा छोड़ के करबला की जानिब रवा दवा होने वाले थे तो बीबी बीमार हो गई थी तो कहा बाबा मैं भी साथ चलूंगी कहा सुगरा आप यहीं रहे कहा बाबा सकीना जा रही हैं असगर भी जा रहे हैं सैयद सज्जाद जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती ये 19-20-21 को मैं ये रिवायत आपके सामने पेश करूंगा नाज़िर कराम क्योंकि इन्होंने माहौल ऐसा तारी कर दिया कि जिसके बाद किबला आप खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अहले बैत की कुर्बानियाँ दीन इस्लाम के लिए हैं और रही हैं और रहेंगी रहती दुनिया तक हम मुसलमान उसको याद रखेंगे लेकिन नाज़िर कराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और तालिब अली हमारे दरमियान मौजूद हैं तालिब क्या कह रहे थे आप हम
अपने अलॉटीज के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि अगर कोई भी आता है हमारे पास और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके और उसके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए हम हर जगह रिटर्न पे खड़े हैं। प्लस हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त, देखें इतने महंगाई के दौर में इस वक्त अगर आप कोई छोटे से छोटा भी घर बनाने जाते हैं तो वो अच्छी खासी कॉस्ट लेके आता है। हम अपने ही पैसों से खुद डेवलप कर रहे हैं, अपने अलॉटी से कुछ नहीं ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ साइट पे चलिए, हम ना कागज़ में बेचते हैं ना फ्लायर्स में अपने प्लॉट को बेचते हैं। हम कहते हैं साइट चलिए, पहले आप साइट देखिए, काम देखिए, एनओसीज देखिए, महकमे से वेरीफाई कराइए, फिर आप आइए, फिर हम बैठ के बात करेंगे कि हमें आगे मुस्तकबिल में आपके लिए क्या करना है। क्या बात है। अयूब उस्मान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। अयूब भाई, हमने एक सिलसिला शुरू करना है बाखबर रमज़ान का, लेकिन वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का, क्या करें, लेने पड़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िम कराम, फिर से वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर्स की टीम हमारे दरमियान मौजूद है और इनका एक होनहार, एक कम उम्री में बड़ी इज्जतें पाई, तैयब ने हमें ज्वाइन किया है। तैयब कैसे हैं आप? ठीक है। और इनके साथ ही इस प्रोग्राम की जान, जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, जैसा कि कल इनकी गैर हाजिरी हुई, लेकिन क्या करें, अब जब से हमने इनको चुन लिया है तो आप सब चाहते हैं कि ये आपके पास भी आए, बेशक जाएं, लेकिन हमें छोड़ के ना जाएं। मेरी मुराद है जनाब यूसुफ पाकिस्तानी भाई से। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? सब ठीक है यूसुफ भाई? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपके इस गिले का मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ जी, और बहुत शुक्रिया आप लोग इतने प्यार। क्या है कि सर देख के बोले, क्योंकि लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ जी, मैंने गैर हाजिरी थी, बस कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं, इंसान के एक लालच होते हैं कि मुझे जहाँ से, मतलब जहाँ से मुराद यही कि मैं पागलों की तरह सिर्फ एक ही काम है मेरा, बस जिधर से मुझे जो पाकिस्तान के हवाले से मिलती है ना बातें कि यार मेरे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो जाएगा, कि पागलों की तरह तलाश उसमें लगे हुए हैं। और बिल्कुल मुझे पागलपन के मैंने पहले भी कई डिग्रियाँ मिल चुकी हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, दुआ करें कि मेरे मुझे है रोशन पाकिस्तान की तलाश, ये ज़बानी ने सालों से सदके देना, पाकिस्तान के लिए मतलब के कांप जाना, अभी भी बातें करते हुए लेट हुआ हूँ मैं, दोस्त पुराने बैठे हुए, तो मैंने कहा यार ये बताओ आज हालात कैसे हैं, जो मैं आज से चार साढ़े चार साल पहले बोलता था। बेटे से कुदरती फ़ोन आ गया मेरा, उसको मैंने आवाज़ ओपन कर दी, उसको कुछ नहीं पता कि दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि अच्छा? जो मैं बातें आज से मैंने कितना अर्सा पहले मैंने अंसारी के होटल पर बैठ के जो ना वो टेबल पर हाथ मार के बोली थी कि मुझे जो ना पाकिस्तान किधर जाते हुए नज़र आता है, ये फैसले सही नहीं है, फलाना फलाना ये वो, इस किस्म की बातें लंबी हैं वो। तो आज जो दर्द दिल जो वाली बात है ना, वो जिसे कहते हैं कि ये मेरा लालच है, मैं इसके लिए मैं दिल से जो ना इस बात का इकरार करूंगा कि अबरार भाई को अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे, और बड़े दिल से जो ना ये सारा काम कर रहे हैं, और मेरे लिए मैं समझता हूं कि ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान इसलिए कर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान की बात करने का ये बहुत मौका देते हैं, और जिसकी इस वक्त हम सबको ज़रूरत भी है, इतनी ज़रूरत है कि मैं और आप, आगे मैं आपको खुला बोल देता हूँ, रब्बे काबा की कसम, आज सब सारे इलम वाले बैठे हुए हैं लेकिन मुझे अल्लाह ने एक अलग नज़र दी हुई है। मेरी बड़ी तफसील से बातें हो चुकी हैं अपने दोस्तों के साथ, तो टेबल पे हाथ रखना, पाकिस्तान गिर गया, आज से आठ साल पहले, आठ साल पहले सभी कुछ चंद बातें शुरू, फिर उसके बाद आठ महीने पहले पाकिस्तान के हवाले से जब बात आई, रो पड़ना, आज सब मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर भी ऐसी कभी बातें करनी पड़ेगी, मुझे मजनून भी बोला गया, पागल भी बोला गया कि यूसुफ पागलों वाली बातें करते हैं, कुछ दोस्तों को पता है इन चीज़ों का, तो बेटा रोशन पाकिस्तान की तलाश में लगा हूँ, और ये जो इस वक्त जो मैं इतना बोल रहा हूँ ना, ये मेरा मतलब है कि ये मेरे रब की करम नवाजी में बोलूँगा अपने ऊपर, और बात है पाकिस्तान की, बात है इंसानों की, और आज से आठ महीने पहले टेबल पे हाथ मार के उठा था ये शख्स कि यूसुफ एक साइड पर तेरी खामोशी है और एक साइड पर जो ना 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल है और आने वाली जानों का मुस्तकबिल है, और सबसे बड़ी जो गुलामी मैंने ज़िंदगी में देखी है वो सिर्फ और सिर्फ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं है, एक ही मसला इसी की तलाश में हूँ, मेरे बकायदा मंशूर लिखे हुए रखे हुए, बेटा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ,
फिक्र इंसानियत फिक्र पाकिस्तान आइए मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप डिग्री नहीं फिक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की ये हकीकत पर मबनी है ये अच्छा, ये शायरो शायरी नहीं है यूसुफ भाई आपको माशाल्लाह देखकर आपकी सच्चाई को देखकर तूर मुस्कुराए लेकिन आज देख रहा हूँ हमें तूर नकवी ने भी ज्वाइन कर लिया है तूर क्या देखते हैं यूसुफ पाकिस्तानी भाई के बारे में क्या कहेंगे जो बंदा पाकिस्तान के बारे में बात करता है और अलावा साहब डॉक्टर साहब और तालिब भाई कि ये वो शख्सियत है कि जो आपका सदका देते हैं आपको पता ही नहीं पाकिस्तान का सदका देते हैं अफवाज पाकिस्तान का सदका देते हैं सिंध पुलिस का सदका देते हैं और डॉक्टर्स का सदका देते हैं साफियों का सदका देते हैं और आप जैसी एनजीओ जो चला रहे हैं लोग उनका भी सदका देते हैं डॉक्टर साहब उलमा इकराम का भी सदका देते हैं तुर क्या कहेंगे यार यार मैं आपको एक बात बताऊं भाई कि ना जब मैंने इनका पहला वाला एपिसोड देखा था ना इससे पहले वाला मैं यकीन करें मैं इंतजार में थी कि मेरी कब मुलाकात हो मेरी इनसे कब मुलाकात हो अभी जैसे मैं आके बैठी हूँ और मैंने देखा है मेरा दिल खुश हो गया है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ बैठी हूँ जो वाकई में पाकिस्तान के लिए सोच रहा है बड़ी बात है ठीक है सदका निकालना सदका जो है वो रद्दे बला है और अगर कोई पाकिस्तान पे बला आ रही है तो मेरे ख्याल से हम सबको जो है इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए कि हमें भी अपने मुल्क का हम अपने बच्चों का सदका उतारते हैं हम अपने माँ बाप का सदका निकालते हैं हम अपने माल का सदका निकालते हैं तो क्यों ना हम अपने मुल्क का भी सदका निकालें अच्छा आप ऐसी बात कहीं देखिए उनकी आंखों में आंसू आ गए ये हमेशा यही करते हैं अल्लाह अकबर ये देखें जरा इनको अब क्या करें मुझे बताएं तो पाकिस्तान की बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मतलब ये तो सोच ही अलग हो गई ना कि आप अपने घर वालों का घर का सबका सदका निकालते हैं लेकिन किसी ने शायद ही सोचा हो कि मैं अपने मुल्क का अपनी कौम का अपनी जमीन का अपने आसमान का सदका निकालूं यूसुफ भाई ऐसा ना क्या करें आपको मैंने आपको सही दफा बोला कि आप इस चीज को यकीन करें नहीं मुझे मैं आपको एक बात ऐसा ना क्या करें आप यकीन करें नाज़िर कराम ये देखें किस तरह से यूसुफ भाई आप मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बेटा मैं बोलूंगा मैं ये, आपको ये इनका जो है ना दिल से इतनी मोहब्बत है और ये इस वक्त यकीनन तकलीफ में है क्योंकि जो हमारा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर मुझे लग रहा है इनकी तकलीफ नजर आ रही है सबको और ये तकलीफ अपने लिए नहीं है ये आंसू अपने लिए नहीं बहाए जा रहे बिल्कुल सब तो यहाँ अपनी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं मैं आप ऐसा ना क्या करें नहीं कसम मैं कसम खुदा की मैं आपको एक बात बताऊं मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के एक छोटी सी अर्ज करने दे मुझे मेरा घर मेरी जन्नत मेरा घर पाकिस्तान मैडन पाकिस्तान बेटा मैंने अगर अपने घर के लिए मैंने नहीं सोचना मैं अपने बच्चों से भी बोलता हूँ ये गवाहियों के साथ बातें हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको भी पता है कि हमारा पापा क्या बोलते हैं उनको भी जो ना याद हो चुका है फिक्र इंसानियत फिक्र पाकिस्तान बच्चे जो ना फिर वो भी आप उनके सुन सकते हैं उनकी मेरा छोटा सा पोता है मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ पाकिस्तान तो वो आगे से बोल नहीं सकता सवा साल का है वो तो वो क्या करता है यानी वो भी हाथ खड़ा करता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मैं उससे भी लगवाता हूँ यानी मुझे सच्ची बात है बेटा जैसे अपने अपने हर किसी को अपने घर की फिक्र है मैं एक ही बात जुमला कहता हूँ कि सबको फिक्र है अपनी अपनी और मुझे फिक्र है पाकिस्तान की ये रब जानता और उसी से मांगता हूँ नहीं बेटा नहीं 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 मेरे ये देखें ये वहाँ जो ना मेरा बड़ा यकीन है ऊपर वाले पे एक बंदा है ना चीज़ मेरा बेटा मैं बड़ा हकीर सा आदमी हूँ मैं ये कुदरत वाले ने मेरे दिल में डाला हुआ ये किसी के डालने से नहीं डाला हुआ ये और मैं वो शख्स बेटा जिसने गुर्बत भी देखी हुई है और मैं गुर्बत में सबसे बड़ी जालिम चीज़ है ये और मैं बड़ा दुश्मन हूँ इस चीज़ का और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में लोगों को चलना सिखाया ये जो बातें बोली जा रही हैं इनके सबूत आप ले सकते हैं मेरी फैक्ट्री से आके कि ये जो बातें शख्स बोल रहा है ये अपना पैसा लगा के कमाता था कारीगरों पर खर्च करता था और उनको बोलता था तुम्हें हीरे बनाऊँगा तो जब मैं हीरे के लफ्ज़ इस्तेमाल करता था तो यूँ मैं बोलता था यूँ लेके जाऊँगा तो मैंने अपनी फैक्ट्री का नाम अपना नाम मैंने मिनी पाकिस्तान भी रखा हुआ है क्योंकि लोगों ने मेरे साथ भी काफ़ी सारी माशाल्लाह अच्छाइयाँ करी हुई हैं मैं ज़िंदगी में बेटा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मेरे रब ने जो ना वो जिसे कहते हैं कि एक जिंदगी की रोशनी तजर्बा ऐसे तो बुजुर्गों से सीख लेना आप ना ये बिल्कुल मत बोलें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ हर बाशऊर इंसान बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन शऊर नहीं है आपके पास शऊर है आप ये बिल्कुल भी मत बोलें मैं मना करता हूँ इनको मैं कहता हूँ ना नहीं मुझे सच बोलने में मजा आता है डिग्री की बेटा इसका जवाब दे देता हूँ लेकिन कई पढ़े लिखे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर साहब सोचते ही नहीं अलावा साहब तो इससे अच्छा तो फिर अनपढ़ मैं कहता हूँ कि मैं भी अनपढ़ हूँ अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करना अनपढ़ होना ही है
तो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी कोई नहीं है भाई, हम सब चाहते हैं कि आप मुझे इतना मौका देते हैं, यकीन करें कि मेरा मतलब है कि मैं आपको जो दवाएं इतने मेरे दवाओं से बड़े मेरा बेटा बड़ा यकीन है, मैंने बसों में केले किन्नो भी बेचे हुए हैं, 32 साल पहले 2000 रुपए उधार लेके काम मैंने शुरू किया था, आज अल्लाह का शुक्र मैं अपनी फैक्ट्री ये वो बच्चों के हवाले कर चुका हूँ, और एक ही जुमला कहा था बेटा जो तुम्हारे लिए करना था कर दिया, कोशिश करूँगा अपने मुल्क और कौम के लिए काम करूँ, और बाकी रोशन भाई मेरे पास मंशूर लिखा हुआ है, हाँ, और खाली ये नहीं कि जी एक खाली जुमले बोल दिए तो कुछ हो नहीं सकता, ना एक इमारत जब बनानी पड़ती है तो आप लोगों पहले उसका नक्शा बनाते हो, आई एम मतलब प्रैक्टिकल बेटा, और रोशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे पास लिखा हुआ होगा कैसे हो जाएगा, यहाँ तो लिखा गया कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे मुल्क अंधेरों में, सब कुछ लिखा हुआ है, अंधेरों में जा रहा है मुल्क, और अंधेरे और उजाले की लड़ाई चल रही है, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह ही चला हूँ जानी पे मंजिल, कभी बोलता था मैं अपने कमरे में बैठ के अकेले ही सोचता हूँ, दोस्त के साथ बैठ के बोलता था अकेले ही सोचता हूँ जानी पे मंजिल, तो फिर मैं बोलता था मेरी कमरे से सोच कैसे बाहर जाएगी, तो फिर जहन में आया कि अकेले ही चला हूँ जानी पे मंजिल, लोग आते जाएंगे, रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल अवाम बनता जाएगा, ये मेरा है पाकिस्तान, सबका भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, रोशन पाकिस्तान, अमन वाले पाकिस्तान, तलाश में बेटा, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि एक नारा हो जाए पाकिस्तान के अंदर, यूसुफ भाई मिलकर आप यूसुफ भाई नारा लगाएंगे पाकिस्तान के बारे में, और मेरा जो नारा है ना जाती बेटा उसमें दुआ भी शामिल है और नारा भी शामिल है, लगाइए नारा लगाइए बस, वो हमारा पाकिस्तानी से भी आवाज आ जाएगी, मेरे ये जितने भी अपने जो मेरे साथ जो दो चार जो आए हैं जिनको पता है मेरी चीज का, अच्छा यूसुफ भाई एक कॉलर है हमारे साथ बहावलपुर से, एक कॉलर ले लें क्योंकि कॉलर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या नाम है बहावलपुर से? जी मोहम्मद कामरान बात कर रहा हूँ, कामरान भाई कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई जान, अल्लाह का शुक्र भाई, कैसे देख रहे हैं भाई ट्रांसमिशन को, और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम अलामा साहब हैं, और यूसुफ पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कुछ मैसेज कोई बात करना चाहेंगे आप? जी जी मेरा पैगाम ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है कि हजूर पाक के उम्मत हैं, ये जो शो पर हमारे भाई बैठे ना, एक तो कोटी वाला बैठा है, सुन्नत रसूल की मजाक नहीं होनी चाहिए, उसकी आप दाढ़ी भी देख लें, और हमारा इस्लाम पैगाम देता है कि औरत का पर्दा होना चाहिए, इस बाजी का पर्दा भी नहीं है, भुरका होना चाहिए, और जब ये भुरका पर्दा नहीं होगा तो हमारा इस्लाम क्या तरक्की करेगा, हम अहले सुन्नत हैं नबी पाक के गुलाम। जी यूसुफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इस प्यारे भाई को जो भावलपुर से थे या जहाँ से भी थे, ये मेरा ये पैगाम है प्यारे भाई आपके लिए कि आप अपना जो आपकी नज़र और आपका जो अपना ज़ाती किबला ना, जिसने आपने खुद ज़ाती तौर पे हिसाब देना है, आप उस पर पहले तवज्जो दें, और बाकी इंशाल्लाह सब खैर होती है, और मैं सिर्फ इतनी सी अर्ज़ करूँगा, मुझे एक शेर याद आ गया, बुरा ढूंढने चला जो मैं, बुरा ना मिला कोई, जब मन अपने में झांक कर देखा यूसुफ, यार शायद तेरे जैसा तेरा बुरा कोई, बुराइयाँ तो दूसरों में तलाश करता है तेरा मन अपना काला, तो आप अपने आप को ठीक करें मेरे प्यारे भाई, और बाकी रही पाकिस्तान के हवाले से बात, तो फिक्रें जो ना हर किसी के पास नहीं होती, और सिर्फ इतनी अर्ज़ करूँगा, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी बेवकूफ़ लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मेरा ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरे रब ने मुझे वैसे जो ना मतलब कि ठीक है मैं क्लासें नहीं पढ़ा हुआ, और एक बात मैं कहता हूँ कि डिग्री नहीं फिक्र रखता हूँ, अपने मुल्क और कौम की थ्योरी नहीं हुनर रखता हूँ, रोशन पाकिस्तान की, खुशहाल पाकिस्तान की, सिर्फ लफ्जों में नहीं अमलन, बड़ा बात मानी जाए तो बड़ा खूबसूरत, और एक कहते ना कि आप कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने जो जवाब दिया है, आपने तो हम सबको खामोश कर दिया, इतना खूबसूरत जवाब दिया है कि, और नाज़िक राम हमारी टीम माशाल्लाह से इतनी अच्छी है जो PCR में बैठी हुई है, मैं तो उनको सलाम पेश करूँगा कि वो ऐसी कॉलें लेते हैं कि जिनसे दिल खुश होता है, अल्लाह पाक उनकी तौफीकात में इजाफा करे, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, इंशाल्लाह करूँगा मैं, और अलावा साहब आप क्या कहते हैं कि यूसुफ पाकिस्तानी की आपने बात सुनी है, नाज़िक राम पाकिस्तान बनाए रमज़ान में और 27वीं शब को, मैं यूसुफ भाई की मुशावरत के बगैर ये ऐलान करता हूँ कि हम 27वीं शब को मिलके, हम सब मिलके, हमारी फोर की पूरी टीम मिलके लाइव सदका देंगे पाकिस्तान का, ठीक है जी भाई? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हम इनके
जज्बे को कदर की निगाह से देखते हुए सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर पाकिस्तानी अगर इसी दर्द के साथ और इसी सच्ची लगन के साथ इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए। क्या बात। और खुसूस बिलखुसूस आवाम तो अमूमन मुखलिस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम दुनिया के तमाम ममालिक से बेहतर, मजबूत, मेहनती, जफाकश। क्या बात है। हाँ, कुछ खवास हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे विराजमान हैं इख्तदार की, और खुसूसन दिखाई देने वाले तमाम के तमाम ही अक्सरियत से हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले अराकीन वो मुखलिस नहीं है। ये हकाइक हैं। क्या बात है। काश के आवाम में ये शऊर भी आ जाए कि खुद से खड़े हों, अपने महल्ले से, अपनी गली से, हर महल्ले में, हर गली में ऐसे अफराद मौजूद होते। क्या हैं। बात है, क्या बात है। ऐसा नहीं कि ये तन्हा है। देखिए, इनका दर्द भी हमारा ही दर्द, लेकिन इनका दर्द पाकिस्तान के लिए है। दर्द को हम लेके और करिए में, चौबारे में, गली में, चौक पे इस पैगाम को हम पहुंचा रहे हैं। तवील अरसे से हम भी यही पहुंचा रहे हैं। हर महल्ले में, हर गली में ऐसे अफराद मौजूद हैं, उनको सामने लाएं और उन्हीं को इलेक्शन में खड़ा कीजिए, उन्हीं को मुंतखब कीजिए। अगर ऐसे अफराद मुंतखब हो जाते हैं और ऐवान ज़ेरी से ऐवान बाला तक होंगे तो फिर पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी तरक्की से रोक नहीं सकता। क्या बात है, क्या यूसुफ भाई, ये एजाज़ की बात है कि आपके लिए अलावा साहब ने कितने अच्छे लफ्ज़ अदा किए। ये खुशकिस्मती है, और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। हमारे दरमियान तैयब मौजूद हैं। तैयब, आप भी यंग हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तानी हैं। हमारा जो आईडी कार्ड है, एनआईसी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तानी हैं और अपना वोट ज़ाया ना करें। बिनसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से यूसुफ भाई की मोहब्बत देखते हुए आपका क्या जज्बा होगा इनकी शख्सियत को देखते हुए। वाकई इनका मैं जज्बा देखता हूँ, इनके अंदर पाकिस्तान की लगन देखता हूँ, मोहब्बत देखता हूँ। मेरा ज़मीर अंदर से जागता है कि वाकई यूसुफ से जो हैं काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं काम कर रहे हैं, तो बहुत मुझे खुशी होती है इनसे मिल के, इनके साथ बैठ के। तभी मैं इनके साथ बैठा हूँ। मुझे कहा था कि यूसुफ भाई क्यों नहीं आए। जी, तभी मैंने कहा था। तो मुझे प्यार भी इनसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान से लगन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान के लिए सदके देते हैं। तो बहुत मुआशरे में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, तैयब, इस फील्ड में आने से पहले क्या करते थे आप? जी, इस फील्ड में आने से पहले मैं अपने पापा के साथ होता था। हमारी वर्कशॉप है, हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO कंपनी के लिए हम टैंकर बनाते थे। की बात है। क्या बात है। हम उनके लिए पेट्रोल के टैंक बनाते थे अंडरग्राउंड पेट्रोल पंप्स। अच्छा, के लिए। अच्छा, जी अच्छा। हमारा वो बिजनेस था, अभी भी है, पोर्ट कासिम में हमारी वर्कशॉप है। और लॉकडाउन जब हो गए थे, तो COVID-19 जब आया था, तो COVID-19 में मैं फ्री था, तो प्रॉपर्टी से मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिवेलप हुआ। एक मैंने अपने फ्रेंड को एक शॉप लेके दी थी, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट इशू आए थे, लाइक कुछ चालान कम थे, KDA की फ़ाइल थी। तो जब मैं सिविक सेंटर उस फाइल के लिए आना जाना मेरा स्टार्ट हुआ, मुझे पता चला कि वाकई तो डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो फिर मैंने अपने पापा से बात शेयर की कि मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन सीखनी है, कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होते हैं, लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ कितनी होती हैं। तो अब्बू ने मुझे भेजा था पंजवानी नेटवर्क मार्केटिंग। तो अमानुल्लाह पंजवानी साहब मेरे टीचर हैं, जिन्होंने पंजवानी बहुत सीनियर जी, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में बताया, समझाया। यूनिवर्सिटी में भी थे ये। जी, पिपसेट उनके मेरे भी टीचर का नाम है जी। तो बिजनेस स्टडीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है। जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो हमारे सर थे फ़हीम अख्तर, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन सिखाई है। और सर ताहिर, आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। इससे कबल कि मैं वक्फे पर जाऊँ, हमारे दरमियान सना खान है, हाफिज़ फुरकान कादरी। मैं चाहूँगा कि आपके कलाम से ही हम वक्फे पर जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आ
आपकी निस्बत तेरे जितने भी गम पे चलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी गम पे चलते हैं अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कभी टुकड़ों पे के पल पल कभी टुकड़ों पे के पल पल के पलते हैं करम है हुजूर का गम पे आने वाले अज़ाब टलते हैं अब कोई क्या नाज़रीन वक्फ़े से वापस आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरत थीम पाकिस्तान की जो सच चुकी है और बन चुकी है और डॉक्टर साहब आपकी जानिब आता हूँ कि पाकिस्तान की बात तो हर कोई करता है लेकिन पाकिस्तान की बात तो हर कोई करता है लेकिन हमें क्या करना है पाकिस्तान के लिए यूसुफ भाई की जो सोच है जो ये करते हैं क्या कहेंगे आप इस बारे में इस्लाम के नाम पर या कहिए मुसलमानों के लिए बनाया गया जिस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तमाम के साथी जद्दोजहद में लगे हुए थे अल्लामा असलम अशदी साहब तशरीफ़ रखते हैं जानते हैं और यूसुफ पाकिस्तानी साहब इन बातों को समझ रहे हैं और सभी हज़रात ग्रामी और ख़वातीन तो बाज़ बातें मैं चाहता हूँ बीच में ज़रा सा आपकी अगर इजाज़त हुआ बराबर भाई तो एक बात तो ये कि जब लाइव प्रोग्राम होता है तो हमारे सिफ्त जाफर शहीद कहा करते थे कि ये कलम इधर हो गया ये किताब उधर हो गई ये हाथ से ही छूट गया ये सब चीज़ें लाइव का हिस्सा है तो इसलिए इन चीज़ों को कहीं माइंड नहीं किया जाता और ये लाइव प्रोग्राम में पता चलता है कि देखिए कितने अच्छे तरीके से ले कर चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत लाइव के भी चीज़ें दिख रही हैं तो इसलिए उस पर ना जाइए जो हुआ इधर सुनिए तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है इसके दरमियान में मैं एक दो जुमले अगर आप इजाज़त दें तो मैं और कह दूँ बास मामलात ऐसे होते हैं फ़िक़ी मामलात जिसके ऊपर हर कोई अपनी राय नहीं दे सकता बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िक़े के लिहाज से किसी के लिए भी अप्लाई होता है उसके आलिम जो बयान करता है जिसकी वो तकलीद कर रहा है फॉलोवर है उसके लिहाज से तो इसलिए बहुत सी तनकीद या एतराज़ात जो होते हैं मैं उनके हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि तनकीद करते वक्त ये सोच लिया करें कि ये मसला क्या उसूल के से ताल्लुक़ रखता है या उसूल से हट के है बिल्कुल मुराद है तौहीद नबूवत क़यामत जो बुनियादी चीज़ें हैं जो तब्दील नहीं हो सकती ये कोई आलिम कह दे कि खुदा अल्लाह ताला की वैदानियत को माज़ल्ला के मतलब चेंज करें तो वो नहीं कर सकता ये चेंज नहीं होते इसके अलावा लिबास वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर तकलीद जो लोग करते हैं फॉलोअर्स हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत वाज़े तरीक़े से लोग समझ नहीं पाते हैं हालांकि वाज़े होती है कुरान शरीफ में भी अब बात आ गई तो मैंने ये तस्करा कर दिया है और अहादीस रसूल अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी
ایسی ہیں کہ بہت سے عمومی سطح کے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سے متعلق جو معاملات ہوں وہ اپنے اس عالم سے کنسلٹ کریں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے. اور اتنے زیادہ مکتب فکر و مسالک ہو چکے ہیں کہ یہاں مسئلے یہ ہیں کہ آپ کے نزدیک اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح اٹھنا، اس طرح چلنا صحیح ہے، میرے نزدیک غلط ہے. لہٰذا مجھے یہاں سے شروع کرنا چاہیے، پاکستان کی طرف آ رہا ہوں، مجھے یہاں سے بولنا چاہیے کہ میں خود غلط ہوں. مجھے پہلے اپنے اندر جو خامیاں ہیں، غلطی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. جیسا کہ یوسف پاکستانی ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنی غلطی دیکھو، اپنی برائی دیکھو، تو پھر پورا پاکستان درست ہو جائے گا. اگر آپ دوسروں پہ تنقید کرتے رہیں گے، حقیقت یہی ہے کہ کوئی معصوم فرشتہ نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن شروع اپنے آپ سے کریں. آپ علامہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ سے اصلاح کرنی ہے، اور یہی جو جذبہ لیا ہوا ہے یوسف پاکستانی نے. ایک چھوٹی سی تصحیح ضروری ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت محترم اور بے پناہ ان کے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور تاریخ کے اوراق بھی دیکھے. پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں نہیں آیا، مسلمانوں کے لیے آیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان 1956 میں جماعت اسلامی جب یہاں فاؤنڈ ہوئی، انہوں نے اس کا نعرہ جو ہے وہ آگاہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ 56 میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تحریک پاکستان تھی، اس وقت یہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا. ایسا ہوا بھی. میں معذرت کے ساتھ بڑے معذرت کے ساتھ بحث جو نا کہیں اور جا رہی ہے، بات ہو رہی ہے موجودہ. میری ایک فطرت ہے، میں کہتا ہوں ماضی مر گیا، حال اور مستقبل. اگر ہم بڑوں کو وہی تلاش کرتے رہیں گے، ابا جی فوت ہو گئے، کہاں سے لاؤں میں، اگر میں اپنے جو موجودہ ہے میں اس کو دیکھوں میں. اور جب میں پیچھے ماضی کو دیکھتا ہوں تو میں تڑپ جاتا ہوں. میں تو میں کہتا ہوں بھائی، تڑپنے والی چیز کو ڈال سائڈ میں، اس کا پڑھو انا نلائے و انا الیہ راجعون. جو جس چیز نے مجھے تڑپانا ہے، مجھے حاصل وصولی کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں فارغ کرو اس کو. اور جب ان چیزوں کو جب مثبت ہم سوچ رکھتے ہیں، تو میں نے مثبت یہ، منفی مجھے کوئی الفاظ نہیں آیا کرتے تھے. مجھے لوگوں سے ایسے بڑے صاحب لوگ مجھے مل جاتے، کوئی لفظ مل جاتا سیکھ لیتا، زبان پر نہیں چڑھ رہا تو اس کی روانگی کرتا. پھر اے بی سی ڈی یہ کچھ نہیں پتا، اس قسم کی میں نے تھوڑی سی یہ دنیاوی طور پہ یہ پڑھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی سمجھتا ہوں، یعنی پڑھنے سے مراد پریکٹیکل. تو وہ جسے کہتے ہیں نا حل کی تلاش، میں نے اس کا نام مسائل پاکستان آج سے نہیں رکھا ہوا، تقریباً میں سے 7-8 سال سے میں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم مسائل پاکستان میں رہتے ہیں. مسائل پاکستان کے اندر ہم مطلب کیا بات ہے، ہم مسائل حل کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا جب اتنا اچھا اپنے آپ کو کر سکتی، تو ہمارے اندر کون سی ایسی خرابیاں جو ہماری دور نہیں ہو سکتی؟ اور کون سا ایسا انسان ہے کہ جو میں نے بڑے بڑے ولی اللہ کو مطلب جو نا میں نے دیکھا، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہو کہ ان کی زندگی کے کردار پہلے کس طرح سے تھے. بالکل یوسف، آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں پیچھے نہیں جانا. جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. اور جب ہم آج کل کے حالات دیکھتے ہیں، اور بھکاریوں کے کنٹینر بھر بھر کے ہمارے کراچی میں، خاص طور پہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یوسف بھائی، طیب بھائی اور طالب بھائی، دور بھر بھر کے کنٹینر آ چکے ہیں. آپ کسی سگنل پہ کھڑے ہو جائیے، آپ کو اس قدر بھکاری ملیں گے. اچھا اتنے سے لے کے آپ کو قداور تک ملیں گے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی تو پاکستان ہے نا. حل کی تلاش میرا یہی، جب یہ بھکاری پن آنا تھا نا، تو بھکاری نہیں ہے نا سر. ارے نہیں نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وجوہات دیکھی جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھا، بنیاد دیکھی جاتی ہے. بنیاد ٹیڑھی رکھی گئی ہے، سیدھی رکھی گئی ہے. جب آپ کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی جا رہی ہے، یہ تو بنیاد رکھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا عقل مند ہے. وہ کس بات کے لوگ پیسے لیتے ہیں؟ ٹیکنک کے پیسے لوگ لیتے ہیں نا، انجینئرنگ جو، کس چیز کے پیسے لیتے ہیں؟ مجھے بھی آج سے تقریباً 12 سال پہلے 5 لاکھ روپے کی آفر ہوئی تھی 4 گھنٹے کی. صرف یہ میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں کہ یوسف پاکستانی کا منشور دیکھیے کتنا پیارا ہے، کہ یہ بھی تقسیم بھی کریں گے یہاں پر، کہ یوسف پاکستانی بات کرتے ہیں صرف پاکستان کی، اور پاکستان بنا تھا رمضان میں، اور پاکستان بنایا تھا ہمارے آباؤ اجداد نے، ٹھیک ہے. اور جب پاکستان ہمارے آباؤ اجداد نے بنایا ہے، تو اس کو بچانا بھی ہم نے ہی ہے. اکیلے یوسف پاکستانی نہیں ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. اگر وہ صدقات دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنا ہی صدقہ دیتے ہیں، لیکن یوسف پاکستانی تمام پاکستان کا صدقہ دیتے ہیں. بینسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ٹیم یہاں موجود ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ اپنا گھر، اپنا گھر تو بہت دور کی بات ہے، لوگ کرایے کا گھر بھی اگر لینے کے لیے جائیں نا، تو اس کا 1.5 لاکھ روپے
एडवांस दिया जाता है। शाहजहां मैं आपकी तरफ आऊँगा कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने जो इतना अच्छा इकदाम उठाया कि 2,40,000 रुपये का प्लॉट कोई भी ले ले, आसानी कैसे कर सकते हैं अगर मुझ जैसा, क्योंकि मैं तो खुद किराए पर रहता हूँ, लोग समझते होंगे पता नहीं मेरा कितना बड़ा घर होगा, ऐसा नहीं है, मैं खुद किराए पर रहता हूँ क्योंकि ये भी सच है। तो 2,40,000 रुपये का आपने ऐलान किया है जो आने वाले वक्तों में 20 लाख तक पहुँचेगा, जो पहुँच चुका भी है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। जब हम लोगों ने 2,40,000 ऑन कैश पे स्टार्ट लिया तो तब काफ़ी सारे लोग वो हो गए, भाई ये तो ये कैसे हो सकता है, तो मोटरसाइकिल नहीं आती, मैं 120 गज का आप लोग हमें ऐसे कैसे दे रहे। 2 दिन के लिए हम लोगों ने एक्सपो लगाई थी कोरोना से पहले, तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई ना सब हैरान, कुछ लोग जो जाहिर है मेरे कुछ अपने इन्वेस्टर भी थे, उन्होंने कहा हम तो ये ऐसे समझे काले कुएं में फेंक के जा रहे हैं, हमें पता नहीं मिलना, लेकिन आज वो इतना खुश है, कहाँ वो 2,40,000 का प्लॉट और आज 20, 22.5 और 35 तक के पहुँच से भी ऊपर जा चुका। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं ना ये हमारे, तो उन्हीं लोगों ने हमें जो है इतना हमारे पे इतना यानी कि एतबार किया, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते आज हम माशाल्लाह तीसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से। 3 प्रोजेक्ट हैं हमारे, जैसे बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेस 1 है, फिर उसके बाद बिन एहसान ग्रीन वैली है। तो हमारे अलॉटी ही है जो आगे हमें बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, फिर और लोग भी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े शामिल हो चुके हैं। वाली बात आ गई था कि अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते रहे, काला बढ़ता रहा। तालिब भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि मैं बहुत सर टाइम है हमारे पास, मैं चाहूँगा कि आपका भी मौकिफ जान लिया जाए, टूर में ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए असल में क्या था, जब हमने 2,40 की थीम शुरू की थी, अब वही हम रिवाइज करके लाए बिन एहसान ग्रीन वैली में, आपने वही रिवायत दोबारा बरकरार, बिल्कुल। अच्छा उस पर क्या है, हम एक पुख्ता काम ज़मीन से ऊपर डेवलपमेंट दिखा के उस नए प्रोजेक्ट को लेके आए हैं कि देखें 2,40,000 में इस वक्त क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, हम आपके प्लॉट पे खुद डेवलपमेंट करेंगे, उसकी वर्थ बढ़ाएंगे। हाँ आपको थोड़ा पेशेंट रखना है, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट दैट न्यू बर्न बेबी कैन रन, आप उसको साल दो साल रखें आगे के लिए, वही 2,40,000 का प्लॉट आपका इंशाल्लाह 20-22 लाख का जाएगा, क्योंकि ये है M9 मोटरवे पे एग्जिट नंबर 9 पे, थाना बुला खान मेन बुलारी हाईवे इसके बिल्कुल बराबर है, मेन रोड पर है। सो इंडस ब्लॉक है, एक कलंदर ब्लॉक है, ये बहुत अच्छा मौका है लोगों के लिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद प्राइसेस ज़्यादा से ज़्यादा, पाकिस्तान में एक बात बताइए आप, चिकन सस्ती हो रही है, बढ़ रही है, तो फिर प्लॉट कहाँ से सस्ते होंगे, प्रॉपर्टी कहाँ से होगी। मैं तमाम ही लोगों को शामिल गुफ्तगू करूँगा कि अगर किसी के दिल में सवाल है तो कर सकता है, मैं इसलिए मैंने कहा कि मैं तमाम को शामिल गुफ्तगू करूँगा। पाकिस्तान में जब एक दफ़ा रेट बढ़ जाता है ना, फिर नीचे नहीं आता, नहीं आता, ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क ऐसा है, सलाहियत हासिल है हमारे हुक्मरानों को कि वो इतना प्यार करते हैं हमसे कि वो फिर बढ़ाते, वो कहते हैं बढ़ो आगे बढ़ो, तो इस तरह से हमें आगे बढ़ा रहे हैं। कामयाबी का राज बता दूँ, इनकी कामयाबी का राज बता दूँ, सामने बैठे हुए हैं चाहिए ना, इनकी कामयाबी का जो राज है ना, जो मैं एक जुमला कहता हूँ कि बेईमान पे बेईमान भी एतबार नहीं करता और ईमानदार के ऊपर बेईमान भी एतबार करता है। तो बात ये है, ये लोग हैं सच्चे, इनके जो कागज ये वो सारे बोलते हैं ना, मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन समझ तो लेता हूँ कि बंदा मतलब कहाँ पर है, कहाँ कितने पानी में खड़ा हुआ है। इनकी जो कामयाबी ना, इनके जो पेपर है ना वो है, और इनकी सच्चाई और इनकी दयानतदारी, यह है इन कामयाबी का, मैंने जो सर जज किया ना आपकी कामयाबी का राज, और यही है असल में कामयाबी का राज, सच्चाई ईमानदारी। लेकिन हम लोगों ने उल्टा रखा हुआ है, मैं बहुत इन चीज़ों का प्रैक्टिकल हूँ मैं, इसलिए मैं पाकिस्तान के बारे में जो बिल्कुल पाकिस्तान की बात की यूसुफ भाई ने, और नारा मेरा लाजमी लगना चाहिए, नारा तो आखिर में ब्रेक से नारा लगाएंगे, इससे पहले यूसुफ भाई की तरफ से आप तमाम को मैं ये इनका आप ये पढ़िएगा, और देखिए इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बात सिर्फ पाकिस्तान की ही है, ये हमारे इर्द गिर्द की बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी ही बात है। देखिए कि इनका मकसद कुछ नहीं है, ना इनका मकसद सियासत है, ना पॉलिटिक्स है, इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान। और मैंने भी इनसे कहा था यूसुफ भाई आप इलेक्शन में खड़े क्यों नहीं हो जाते, तो इन्होंने कहा अली भाई मुझे इलेक्शन में खड़े होना नहीं है, क्योंकि अगर मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊंगा तो फिर मैं भी वही करूंगा जो करते हैं लोग। नाज़िक राम तैयब हमारे दरमियान मौजूद है, तैयब आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को, आखिर में मेरा नारा लाजमी, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, मेरे नारे में मजा ना आए ना तो पैसे वापस इंशाल्लाह। जी तैयब भाई क्या कहेंगे, आखिर में कुछ मैसेज देना चाहें आप हमारे नाज़रीन को, मैं ये कहना प्रोजेक्ट के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके एक फैसले पर, बिल्कुल ऐसे आज का फैसला कल की जीत, बनिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी वैली का हिस्सा,
सिर्फ 2,40,000 रुपये में। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। बिन एहसान पर है अल्लाह का एहसान, और सबके एहसानों को समेटते हुए परवरदिगार ने मुझ पे किया एहसान कि आप सब यहाँ पर आए, और आपने किया मुझ पर एहसान। ठीक है, और हर कोई करता है अपने मतलब की बात। मेरा मतलब है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, सबका भला, सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। हमारे दरमियान खूबसूरत आवाज़ के हामिद सना खान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद बिलाल हसन बारगाह रिसालत अहबाब में गुलाह अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। हाल दिल कैसे को सुनाए, आप के होते हुए। हाल दिल कैसे को सुनाए, आप के होते हुए। क्यों किसी के दर जाए, आप के होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, और ये मेरी पहचान है। रखते हैं हमारे दरमियान एक और अच्छी आवाज के आमिर सना खान के, आप भी कलाम पेश कीजिएगा। मैं बंदा आसी हूँ, मैं बंदा आसी हूँ, खता कर दो माला माला, लेकिन तेरी रहमत का परसतार गो मौला वाला, तेरा हो फकत तेरा, परसतार गो मौला वाला, मैं दया सीखो खता कर गो मौला वाला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला मौला।
मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और बिन एहसान की टीम जो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई थी, आपको मैं चाहूँगा कि दोबारा भी तशरीफ़ लाएँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और दिल नहीं चाह रहा था कि आपको हम ना सुने, जो चाहता है कि आपको सुनते रहें। आप इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर नुमाया अदायगी के साथ पेश किया। और यूसुफ भाई, आपका तो टाइम होने वाला है, ठीक है, आप तो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर एनू रज़ा से कि वो आज का कलाम पेश करें, और इनके कलाम से ही हम वक्फे पर जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। फिक्र पर मेरी बने नक्शो निगारे मुस्तफ़ा, वाह। फिक्र पर मेरी बने नक्शो निगारे मुस्तफ़ा, जागुज़ीन दिल में हुआ है यूं दियारे मुस्तफ़ा। क्या बात है, क्या बात है। जागुज़ीन दिल में हुआ है यूं दियारे मुस्तफ़ा, और अज़मीता आसमां है रह गुजारे मुस्तफ़ा। वाह 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 वाह। अज़मीता आसमां है रह गुजारे मुस्तफ़ा, खूब है कौनो मकां पर इक्तिदारे मुस्तफ़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह। खूब है कौनो मकां पर इक्तिदारे मुस्तफ़ा, और है हकीकत वो हर एक नबियों से अफजल है। जी नाज़रीन इकराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 11वें रमज़ान से हम लोग ज़िक्र सरकार की महफिल सजाया करेंगे। मेरा पसंदीदा सेगमेंट है ये, और अलावा साहब मैं चाहता हूँ कि आज पहली ज़िक्र सरकार की महफिल ख्वाजा गरीब नवाज को दिया करते हैं। और आज की जो ये बज़्म है जिसमें तमाम सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं, तालिब आज़ाद कवाल हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे तो हम महफिल समा में कलाम सुनेंगे ही, लेकिन मुझे जिन नात उन्होंने ज्वाइन किया है, बड़ा प्यार रिश्ता इनके साथ है मेरा, और ये तो अब आया हूँ होस्टिंग की फील्ड में, लेकिन कभी मैं भी इन्हीं की जगह बैठा करता था और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करता था, नहीं किया करता हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं बार गाहिर सालत बाब में गुलहाए की इज्जत पेश कर देता हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि आज जिन सना खान ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरे सीनियर सना खान हैं, और परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी पहचान सना खान रसूल से है क़िबला, और ये बड़े एजाज़ की बात हुआ करती है कि जिनकी पहचान, यार आप, मैं किसी के इलाके में जाता हूँ या कोई मेरे घर आता है या मैं इन सना खानों के घर जाता हूँ, तो पहचान क्या होती है बताता हूँ आपको। मुझे मिलना है शाहिद कादरी से मिलना है, वही शाहिद कादरी कौन, वो जो नात पढ़ते हैं, हुजूर के औसाफ बयान करते हैं, उनके घर जाना है आपने। वही अरशद भाई, अरशद भाई वो अरशद लोधी जो डबके साथ नात पढ़ते हैं, साथ सईद मदनी जो जिक्र सरकार की महफिल को सजाते भी हैं और निज़ामत भी करते हैं, आप उनके घर जाएंगे, आप बदर मुनीर के घर में जाएंगे जो सना खानी के लिए अपना सब कुछ तन मन धन उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चाहते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे तमाम ही कराची के सना खान आए, जो आज की इस बज़्म को सजाया, मेरी मदद की, मेरे भाई बदर मुनीर साहब को। बदर भाई, बदर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का बेपाया करम, लुत्फ एहसान, दुआएं आपके। और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है मैंने, और 27वीं शब तक की महफिल की जिम्मेदारी आप पर है, और इंशाल्लाह आप इसको बाखूबी निभाएंगे। मेरे सरकार निभा रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। साद कादरी भी हमारे साथ, नवेद जाफरी भी हैं, और गनी भी हैं कि जो इस बज़्म को सजा रहे हैं, लेकिन उनका सेगमेंट तो बाद में है, उनकी तो खिंचाई होती ही रहती है क्योंकि वो मेरे भाई भी हैं, बड़ा प्यार करते हैं उनसे हम। और मेरे साथ मेरे भाई सईद मदनी भी तशरीफ़ हमारे। सईद भाई आप बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का बड़ा करम है। क्या कहेंगे ट्रांसमिशन के बारे में? सबसे छोटी ट्रांसमिशन मैं कर रहा हूँ इस साल, इतनी प्यारी ट्रांसमिशन है कि मैं बस दिल करता है मैं पहुँचूँ किसी ना किसी तरीके से। आपकी मोहब्बत है, और आपका साहबजादा माशाल्लाह से भाई में उरूज पर है, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं, आपके लिए मेरी दुआएं हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे दाएं जानिब तूर नकवी को तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब नात की बात हुआ करे तो दिल चाहता है कि सुनते रहें सुनते रहें। तूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे दाएं जानिब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मोहम्मद अरशद लोधी भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है 3 दिन की गैर हाजिरी के बाद। अरशद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ही नहीं है आपके पास हमारे लिए, बस हमारा एक ही काम है हुजूर की सना, अब ये यहाँ हो या कहीं और हो,
बस मकसद और काम नजर आना चाहिए, घर घर मैसेज आना चाहिए। आपकी मोहब्बतें हैं कि तीन दिन की एब्सेंट के बाद भी आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या बात है आपकी। इनके साथ ही हमारे सीनियर सना खान हैं, बड़ी परवरदिगार ने इज्जतों से नवाजा है, मोहम्मद शाहिद कादरी। शाहिद भाई आप बताइए, आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान अजीम है और आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपके प्रोग्राम में पहली बार हाजिरी का मौका मिल रहा है बदर भाई की विरासत से और आपकी मोहब्बत फरमाए और आपको तो सुनते आ रहे हैं हम और इंशाल्लाह सुनेंगे भी। इनके साथ ही हमारे आज के आखिरी सना खान, सीनियर सना खानों की मैं बात कर रहा हूँ। सना खान तो तमाम ही हैं, हमें अभी जूरी की तरफ भी जाना है, जो उभरते हुए सितारे हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। हमारे मोहम्मद जावेद कादरी ने भी हमें ज्वाइन किया। जावेद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम से। आपके मैसेज आ रहे होते हैं मेरे पास, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको लाइव सुने। जी आज इंशाल्लाह ताला आपको पहली मरतबा सुनाएंगे लाइव, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन कराम, हमारे दरमियान चार सना खान ऐसे हैं जिनको अभी परवरदिगार ने सना खानी में चुना है और यकीनन बचपन से ही वो भी पढ़ते आ रहे हैं और यूथ है हमारा। हमारे पहले सना खान हैं यूनुस रज़ा कादरी, आपको खुश आमदीद कहेंगे। इनके साथ ही नाज़रीन कराम सैयद बिलाल कादरी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और इनके साथ रुहेल रज़ा कादरी हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और इनके साथ ही हुज़ैफ़ा मदनी, क्योंकि अगर ये सईद मदनी हैं तो हुज़ैफ़ा मदनी भी होना चाहिए, उनके साहबजादे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। चलते हैं नाज़रीन कराम ज़िक्र सरकार का आगाज़ करते हैं। हमारी इस बज़्म की जो सदारत कर रहे हैं वो हैं अल्लामा क़िबला मोहतरम मशहदी साहब, आपकी इजाज़त है इस बज़्म का आगाज़ किया जाए। ज़िक्र सरकार की महफिल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पहले सना खान हैं, क्योंकि सना खानों की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले सना खान हैं मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शाहिद कादरी से मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे मेहमान हैं। अरशद भाई को तो हम समाप्त करेंगे ही, और अरशद भाई की भी यही काविश है कि सबसे पहले मेहमान को, ये आप लोगों की मोहब्बत है। बिस्मिल्लाह, शायद ही कौन सा कलाम पेश करेंगे, क्योंकि ख्वाजा साहब की बात की है तो बाकी आपको जो बेहतर लगे। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना। दिल उल फते सरकार बसाने के लिए है, दिल फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल सरकार बसाने के लिए जहाँ आपकी हुरमत पे लौटाने के लिए पे लुटाने के लिए जा आपकी हुरमत पे लुटाने के लिए और दिल के गैन लगा करती रोजे का नजारा, दिल के गैन लगा करती रोजे का नजारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए गए, नक्श तो आँखों
हुरमतें पे लुटाने के लिए सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से सरवर जो बुलावा बात है, क्या बात है, सलामत रहिए। मैं चाहूँगा क्योंकि सहरी का वक्त भी करीब है और अभी जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सहरी का दस्तरखान सज चुका होगा, मैं चाहूँगा कि मोहम्मद जावेद आपकी नाच से ही हम ब्रेक पे जाएं और यही तसलसल बरकरार रखिएगा। बिस्मिल्लाह। सरकार ढूंढ रहा है सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है जो अस्ते मोहब्बत आंखों को से गिरा हर
हरे अदा क्यों मैं सुभान अल्लाह 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 गुलजारे मदीना सल्ले आला रहमत की घटा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पुर कैफ फजा माशाल्लाह खुद रब ने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना खा जाना के जान जहाना का सच आखा मैं रब दी मैं शाना खा सच आखा मैं रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शान ना सब मणिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रौज़ा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जान बिना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है अरिश आज़म से जिस की बड़ी शान है रोज़ा मुस्तफ़ा की पहचान है रोज़ा मुस्तफ़ा की पहचान है जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका जी नाज़ इकराम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं और ज़िक्र सरकार की महफिल रवा दवा है और सहरी भी कर चुके हैं हम लोग और सना ख़ान रसूल की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि अरशद लोधी भाई क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मैं माइक आपको देता हूँ क्योंकि वक्त कबूलियत का है और आप तो बानी भी हैं और मेहमानों को आपने कहा कि वक्त दिया जाए। आपने कहा कि इस बज़म को आपने मंसूब कर दिया है ख्वाजा गरीब नवाज से तो खूबसूरत कलाम एक शेर इख्तसार के साथ ही पेश करूंगा। क्या बात ख्वाजा
खबरिया मैं गरीब हूँ तो क्या मैं गरीब हूँ तो क्या मेरा खाजा गरीब नवाज है मेरा खाजा गरीब नवाज है मेरे दिल से आए सदा गरीब नवाज है मुझे मार न कोई ठोकर मैं खाजा जिया का नौकर मैं खाजा जिया का नौकर दे दूंगा मचल के निदा दे मेरा खाजा गरीब नवाज है मेरा खाजा नवाज है हसरत है ये राशिद आज़म अजमेर भी देख ले अब हम अजमेर भी देख ले अब हम जाकर आएगा मज़ा जाकर आएगा मज़ा जाकर मेरा खाजा गरीब नवाज है मेरा खाजा गरीब नवाज है। इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और बैन अल-अक़वामी शोहरती याफ्ता जिनको आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरी मुराद है जनाब बदर मुनीर से कि वो भी अपनी हाजिरी पेश करें फिर इसके बाद हम डॉक्टर साहब भी हमें डॉक्टर साहब आ जाइए क्योंकि ये ज़िक्र सरकार की महफिल है और इस महफिल में शोरा कराम का होना भी हमारे लिए भाई से इज़्ज़त और क्यों ना होगा क्योंकि आज जिक्र उनका हो रहा है कि जो बैठे हैं हिंदुस्तान में लेकिन हमारे दिलों में इस तरह से हैं कि जैसे दोनों पास पास हैं। जी मदर भाई बिस्मिल्लाह कीजिएगा। रसूल पाक ख्याल है तू रसूल पाक ख्याल है तेरी शान ख्वाजा हे ख्वाजा तेरी शान ख्वाजा हे ख्वाजा तेरी शान ख्वाजा हे ख्वाजा तुझे पे बसोवा ख्याल है तुझे पे सोबा ख्याल है मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा सबको नमाज दो मेरे ख्वाजा सबको नमाज दो तेरी एक निगाह बात ख्वाजा तेरी एक निगाह बात है मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं गदाए ख्वाजा नाए चेस्ट वो मैं गदाए ख्वाजा ये चेस्ट वो मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे ख्वाजा के गदाई पे नाज है मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो मुझे नाज
ख्वाजा जा क्यों न हो मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। मैं चाहूंगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि आप भी मिलके एक शेर इसी कलाम का पढ़ दीजिए, मिलके एक शेर पढ़ दीजिए। मेरी एक नज़र तेरी निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के नामवर सोना खान तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आप तमाम सोना खानों का नाम लेने जाऊं तो वक्त गुजरता जाएगा। हमारे कवाल हजरात क्योंकि मैं अपने समा की एक खूबसूरत नशिस्त भी सज चुकी है, क़िबला अलामा साहब आपकी इजाज़त से मैं अपने समा की तरफ जाएं। मैं चाहूँगा कि तालिब आज़ाद इस रौनक महफिल पुर रौनक महफिल को इख्तिताम की जानिब लेके जाएँ और अपने मेज़बान सैयद अली अब्रारक और तूर नकवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। बिस्मिल्लाह। अली के नाम का मौला जी की शान में अबरार भाई कलाम पेश कर रहा हूं। अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है और ये वो चेहरा भी है जो आंधियों में चलता है, ये वो चेहरा है जो आंधियों में जलता है, जो आंधियों में जलता है। तो उसे कहना है मौला अली कलाम पेश कर रहा हूं। क्या तो नगर नगर गली गली, 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 गली 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 गली, अली अली मौला अली, अली मौला अली, अली अली मौला अली, यही है और देखो तो नबूवत मेरी गोदी
गली 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 गली। मौला अली के चाहने वालों, अली अली मौला अली, अली मौला अली। सदियों से हाली बनासी से पिछड़ा मेरे वाली साहब आए, कितनी ही हसीन कब्र की वो रात हो गई।